राजधानी रायपुर में अवैध रूप से गांजा बेचने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाना टिकरा पारा पुलिस ने थाना क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा विक्रय करने वाले आरोपी मोहम्मद आजम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 8,200 रुपये बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि संजय नगर आरडीए फ्लैट के पास मोहम्मद आजम नाम का व्यक्ति गांजा विक्रय करने हेतु अपने पास अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखा है। तभी सूचना पाकर थाना प्रभारी अमित कुमार देवरिया के निर्देश अनुसार मुखबिर को बताए गए स्थान पर जाकर पूछताछ कर तस्दीक एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करके आरोपी मोहम्मद आजम ने अपने स्वयं और गवाहों का तलाशी कराया गया। उसके बाद मोहम्मद आजम की तलाशी ली गई, जिसने मोहम्मद आजम के पास एक सफ़ेद रंग का कैरी बैग अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ। जिसकी जांच की गई तो वह मादक पदार्थ गांजा पाया, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत देहाती नालसी अपराध क्रमांक थाना आकर नंबरी अपराध क्रमांक 528/22 धारा 20 के एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। ये बाटा गाँव वेस्ट नलगर चौक के पास में बॉन्डी के पास और बकरा मार्केट दोनों स्पॉटों पर इसके द्वारा लड़कों के माध्यम से गांजा बेचा जा रहा था। कल सूचना प्राप्त होने पर हमने रेड कार्रवाई की, क्रीम क्राइम टीम के साथ में फिर उसको पकड़ा गया। पूछताछ के द्वारा मालूम पड़ा कि आजम के द्वारा ये गांजा पुलिया के माध्यम से बेचा जा रहा है। फिर उसको तस्दीक पर उसको पकड़ा गया और 1 किलो 200 ग्राम पर कार्रवाई की जा रही है। आज उसको रिमांड पर दे लिया जाएगा।